There's unrest in the state of Punjab as the hunt for Khalistan ideologue Amritpal Singh is still continuing. The action is being carried out by the Punjab police and all the other agencies. The operation is being monitored by the centre and paramilitary forces are on standby. Now this crackdown continues. Over 75 of Amritpal's supporters have been arrested, four of which have been taken to Assam. Amritpal's car has also been recovered. Now if you remember, this is the same car in which he was trying to flee. Swords and pistols were also seized from this very car. A high alert has been sounded in both Punjab as well as Himachal Pradesh. There's a ban on the internet in Punjab. This ban has been extended till tomorrow. The Khalistan ideologue has been declared a fugitive. Now all this comes after reports that highlight that he has link with the ISI. Arms and ammunition from his bodyguards have also been recovered. Supporters of the self-styled preacher and head of the Waris Punjab Day, Amritpal, went on a rampage in Punjab's Amritsar. अमृतपाल लगातार ही गाड़ियां बदल रहा है और पहली बार मेहतपुर में जिस गाड़ी से टक्कर मारी थी उसके बाद अमृतपाल इस गाड़ी में आया था। ये गाड़ी हमने ढूंढी है, देखिए इसके अंदर नंबर प्लेट पड़ी हुई है, तलवार पड़ी हुई है, 315 बोर की पिस्टल इस गाड़ी के अंदर मिली हुई है। इसके अलावा अगर इस गाड़ी की बात करें तो आगे मैं अगली खिड़की खोलकर आपको दिखाता हूँ कि इसी गाड़ी के अंदर जो है वॉकी टॉकी पड़ा हुआ है, यानी कि अभी हम इन चीजों को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से वॉकी टॉकी उसके पास था, मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था, 315 बोर की पिस्टल, 315 बोर की पिस्टल इसमें मिली है और पुलिस लगातार जगह जगह पर दबिश दे रही है। और ये वो गाड़ी है जिसको अमृतपाल लेकर भागा था और फिलहाल पंजाब पुलिस की अलग अलग टीमें अलग अलग जगह पर दबिश दे रही हैं। और ये नंबर प्लेट आप देख सकते हैं, यानी कि इस गाड़ी की नंबर प्लेट भी बदली गई है। गाड़ी के अंदर जो नंबर प्लेट है वो दूसरी गाड़ी की है। कुल मिलाकर पंजाब पुलिस लगातार अमृतपाल को पकड़ने के लिए पीछा कर रही है। तो अमृतपाल कभी गाड़ियां बदल रहा है, कभी लोकेशन बदल रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं पंजाब पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और ये मेहतपुर के पास ही सलीमा गांव है जहां पर अमृतपाल की आखिरी लोकेशन दर्ज की गई थी। इसके बाद अमृतपाल गायब हो गया था।